हम लोग आ गए इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न के तीसरे खंड पर और ये आखिरी वीडियो का इस प्रश्नावली का और बहुत जल्दी हम लोग इसको कर डालेंगे। ठीक, क्या बोलता है ये प्रश्न। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि यहां पर निगेटिव मार्किंग की बात हो रही है। निगेटिव मार्किंग समझते हैं कि आपने अगर गलत ऑप्शन ले लिया तो आपको 0 नहीं मिलेगा, घट और जाएगा। ठीक है, कम और हो जाएंगे मार्क्स। अच्छा ठीक, तो हमने मान लिया कि उसने एक्स क्या किया, उत्तर सही दिया, अभी नहीं मानते, भी पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित कर रहता। अच्छा अब मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सही उत्तर उसने कितने दिए, सही उत्तर उसने दिए एक्स और गलत उत्तर कितने दिए, गलत उत्तर मान लीजिए उसने दिए वाई। तो हो क्या रहा है कि अगर उसको सही उत्तर पर 3 नंबर मिलना है तो उसने अगर एक्स प्रश्न सही किया और 3 नंबर मिलने तो उसको 3x मिल जाने चाहिए। ठीक, लेकिन साथ में वो वाई प्रश्न गलत भी कर रहा है और हर गलत पढ़ने पर 1 नंबर कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें से घट जाएगा कितना, वाई गुणे 1, इसका मतलब इतना ही रह जाएगा और उसके कुल अंक कितने बने 40। तो इसको आपने लिख दिया 40 के बराबर, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और इसी में बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी कहानी बदल जाए, सही उत्तर पर उसको मिलने लगे 4 नंबर, तो 4 और x उसने उत्तर सही जवाब दिया तो 4x हो जाता और घट इस पर कम कितना हो रहा है, 2 नंबर कट रहा है, तो y तो उसने प्रश्न गलत कर दिए और हर एक पर 2 नंबर कट जा रहा है। तो अगर ये स्थिति होती तो उसके कितने अंक बन रहे हैं, उसके अंक बन रहे हैं 50, ये हमें बता दिया गया, यही हमारे समीकरण हो गया। अच्छा इसको हल कर देते हैं, इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसको हम लोग यहां पर हम लोगों को वज्रगुणनखंड विधि यूज करने का थोड़ा सा फायदा मिल सकता है ना। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, वज्रगुणनखंड विधि के लिए हमेशा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए सारी चीजों को, 0, 1 जो भी आपका पक्ष है ना, तो दाएं पक्ष को आप 0 के बराबर कर दीजिए, बाकी सब कुछ एक तरफ ले आइए। तो क्या हो जाएगा, 3x ऋण वाई ऋण 40 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या हो गया, 4x ऋण 2y ऋण 50 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है आपको, इसी समीकरण में सीधा सीधा वज्रगुणनखंड विधि लगा देनी है, लगा देते हैं, तो लगा यहां पर देते हैं एक्स वाई 1। तो अब क्या करेंगे, b1/b2, तो क्या हो जाएगा -1 और -2 आ गया। अब c1 c2 क्या है, ऋण 40 ऋण 50, a1 a2 क्या है 3 और 4, और फिर उसके बाद से फिर से b1 b2 आ जाएगा -1 -2। अच्छा तो यहां से लिखते इधर है, गुणा करेंगे आप तो -1 का -50 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 ऋण, फिर क्या हो जाएगा -2 का -40 में करेंगे तो मिलेगा आपको 80, तो 50 से आप 80 घटा दो, ये बराबर क्या हो जाएगा वाई बटे -40 का 40 में करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 160 ऋण के साथ, तो ऋण 160 लिख दीजिए और फिर इसमें से घटाएंगे क्या, -50 का 3 में करेंगे तो मिलेगा आपको ऋण 150, तो ऋण 150 घटाना है। ठीक है, तो अभी ऐसे कर दीजिए, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, नहीं तो आप जोड़ देते सीधा सीधा एक बार में, है ना। और ये किसके बराबर है, 1 बटे क्या आ रहा है बताइए, 3 से -2 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 6 और 4 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4, लेकिन ऋण आप पहले लगा देंगे तो फिर आप लिखेंगे ऋण 4। अच्छा तो 1 के नीचे वाले को हम लोग हल कर देते तो हमें एक्स और वाई तुरंत तुरंत मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसी को सही से देखो, ये क्या लिखा हुआ है 1 बटे ऋण 6 और ये -, यानी कि धन हो जाएगा 4, तो ये लिखा हुआ है ऋण 1/2, ये आपका क्या है 1/2 वाला उत्तर। अच्छा और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका x/ऋण 30, ये किसके बराबर है ऋण 1/2 के, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ऋण से ऋण कट गया तो एक्स यहां से आपका 15 आ गया सीधा सीधा। और यहां से देखिए y वाले में कर दीजिए, इसमें भी कर देते हैं, तो y बटे 160 तो ऋण का है, उसमें आप 150 जोड़ दे तो ऋण 10 तो अभी भी बाकी रह जाएगा, ऋण 10 ये किसके बराबर है 1/2 के, ऋण से ऋण कट गया, y आपको यहां से मिल गया 5, तो ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। तो उसने कुल मिलाकर के 15 सही जवाब दिए, कितने 15 सही जवाब दिए और 5 दिए उसने गलत जवाब। अच्छा करके देख लेते हैं, सही दिया तो 15 से 45 में से 5 चले जाते तो 40 नंबर मिलते उसको, ठीक, यानी कि 40 यानी कि हमारा पहला सही हो गया। दूसरे बारे में देख लेते हैं, अगर उसको 4 नंबर मिले तो 15 से 60 और 2 नंबर कट रहे तो 5 × 2 = 10 यानी कि 50, यानी कि हमारा सब कुछ ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, अब पहुंचते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न के चौथे हिस्से पर, जिसमें एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है,
ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अच्छा, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अच्छा, 7 और 8 में आपने इस तरह के सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ चालों के कि कोई इतनी रफ्तार से जा रहा है, कौन कितनी रफ्तार से जा रहा है, इसकी बात की होगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है ए और ये है बी। पहली चीज क्या दे रखी है कि 100 किलोमीटर की दूरी है, तो ये दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर की आपकी दूरी हो गई। अब क्या करना है, अब आपको ये भी बता रखा है कि अगर यहां से क्या चलना है स्टार्ट की, एक कार है और यहां पर भी ये क्या है एक कार चलना स्टार्ट करती है, दोनों एक ही दिशा में चल रही होती है। किधर, मान लिया कि ए से बी की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ, ठीक ठीक, ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक कार बी से चलना, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो ये यहां से ये भी इधर जाने लगी दाहिनी तरफ और ये बी वाली कार भी इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है कि 5 घंटे बाद कहीं पर मिल जा रही है। कितनी देर बाद, 5 घंटे बाद, समझ गया। और अगर क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में चलती हैं, इसका मतलब ये तो ए से बी जा रही है और ये वाली इधर आने लगी, तो दोनों क्या हो जाते हैं कि रास्ते को बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद, है ना। इसका उत्तर ही मुझे देखते ही समझ में आ गया है, मतलब इतना आसान प्रश्न है। देखिए कंफ्यूज मत होना, अब वो कह रहा है कि इधर से उधर जा रही है। देखो पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 5 घंटे बाद मिल जा रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से जो ए से चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर बी वाले की स्पीड ज्यादा है तो भाई ये तो भागती चली जाएगी, वो दूरी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो ए वाले की स्पीड ज्यादा होगी बी वाले की कम होगी, है ना। एक तो ये समझ में आ जाता है, दूसरा है कि 5 घंटे बाद मिल रही है और दूरी का अंतर जो है 100 किलोमीटर का है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा होगा कि वो 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो स्पीड में इतना अंतर हो कि 5 घंटे में दूरी तय कर पाए, तो उन दोनों की स्पीड के बीच का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो एक 60 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा। अभी देखिए हल करके दिखाता हूं आपको, बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा आपको क्या दे रखा है कि अगर वो उल्टी दिशा में चल रही होती तो 1 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक। अब क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ए की जो स्पीड थी ना, ए से चलने वाली गाड़ी की, वो थी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक। एक्स एक जो ए से चलना स्टार्ट करे उसकी दूरी क्या हो, इसकी स्पीड क्या हो गई, सॉरी उसकी गति क्या हो गई, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और बी वाले की हम लोगों ने मान ली, जो बी पर खड़ी थी उसकी होगी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो पहली जानकारी जो हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि 5 घंटे बाद मिल जाती है, तो ये वाली कितनी दूर चली होगी 5 घंटे में, है ना, जो भी चला होगा सब मिलाकर के 5x इतने किलोमीटर चली होगी। कैसे चला होगा, देखो इसको समझ लो, कई लोग ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि बहुत सारे लोग हैं जब उनसे स्पीड पूछो तो वो लोग कभी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बताते हैं, वो बोल देते 15 किलोमीटर। अरे 15 किलोमीटर तो दूरी हुई यार, आपसे क्या पूछा जा रहा है, गति पूछी जा रही है, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। अच्छा, तो जब हम लोग इकाइयों की बात करते हैं ना, तो इकाइयों में भी गुणा भाग हो रहा होता है और वो सारी चीजें बहुत क्लियर, बहुत ही आप व्यवस्थित तरह से करोगे तो कभी कभी भी क्या नहीं होगा, गलती नहीं होगी। जैसे स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसे लिखा जाएगा, प्रति घंटा मतलब आप आवर से या घंटे से भाग करोगे। अच्छा, और ये क्या है, 1 घंटे में जाने का, और आप गए कितनी देर के लिए, 5 घंटे के लिए, तो 5 आवर से आपने फिर से गुणा कर दिया, एच मतलब आवर, आवर मतलब घंटा, ठीक। तो एच से एच कट गया, तो अब क्या हो गया, आपने कुल दूरी कितनी तय की, 5 x किलोमीटर, तो 5 x किलोमीटर आपने दूरी तय की। तो आपको एक चीज ये समझ में आ गई, अच्छा जो बी पर था उसने कितनी दूरी तय की, ऐसे ही उसकी स्पीड क्या थी, वाई थी, तो उसने जो दूरी तय की वो हो गई आपकी 5 y किलोमीटर, ठीक। ये आपको दूसरी चीज मिल गई, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ए वाले को वास्तव में अगर यहां से चले थे और ये बी से चले थे और मान लो यहां पे कहीं जाकर के मिले थे, ये कोई बिंदु सी है, ठीक, इसी को आपने लाइन को ऐसे से बढ़ा दिया, ये घटिया रोड है, ठीक, इसलिए ऐसे बना दिया। अब सी पर अगर जाकर के मिलकर के पहुंच के मिल रहे हैं तो ए वास्तव में 100 किलोमीटर ज्यादा चला होगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी देर रखी है, 100 किलोमीटर, तो ए ने जो भी दूरी तय की है वो 5x है, ये भी मैं समझ में आ गया स्पीड से, लेकिन 5x जो है ना वो वास्तव में 5y से, क्योंकि B वाला तो यहीं से चलना स्टार्ट किया, उससे 100 किलोमीटर ज्यादा होगा। ये आपको पहला काम का समीकरण मिल गया। तो यहां से क्या समझ में आएगा कि 5x जो है वो क्या होगा, 5y धन 100, ये पहला समीकरण हो गया।
अच्छा, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात बोली जा रही है कि अगर विपरीत दिशा में चलती है, ये तो ए से बी की तरफ ही जा रही है और ये बी से ए की तरफ जा रही है, और उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में एक घंटे बाद मिल जाती है, तो अगर इसकी स्पीड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है और एक घंटा चलती है तो एक्स किलोमीटर दूरी तय करेगी। कैसे? फिर से वही देख लो, यहां पर क्या था, यहीं पे कर देता हूं एक्स किलोमीटर, रुको ये बहुत हल्का हो गया, दूसरे से करता हूं, ठीक है, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा गुणे एक ही घंटा है तो वन आवर से ही गुणा करोगे तो एच से एच कट जाएगा और एक से एक्स में गुणा करोगे तो एक्स ही रहेगा, तो यहां पर क्या हो गया एक्स किलोमीटर, तो कितना चला एक्स, और दूसरी वाली गाड़ी भी कितना चलेगी, उसको भी तो एक ही घंटा टाइम दिया है तो वो चलेगी आपकी वाई, वाई किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी और यहां पर भी आपने एक आर से गुणा कर दिया, एच से एच कट गया, वन से वन रहेगा तो वाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये यहां से कुछ दूरी पर चल पाई और ये यहां से कुछ दूरी पर चल पाई और बीच में आकर के मिल गई, ठीक, तो इसका मतलब कि जितनी दूरी इसने तय की और जितनी दूरी इसने तय की वो सब मिलाकर के वास्तव में इन दोनों के बीच की दूरी थी उतनी दूरी तो हुई, और वो दूरी कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 100, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ये वाली जो कार थी वो यहां से x किलोमीटर चली और ये वाली जो कार थी वो क्या चली, वो यहां से यहां तक y किलोमीटर आ गई, ठीक, ये अपने मान लिया, तो अब क्या हुआ है कि x प्लस y मिलाकर के क्या है 100, तो ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम अपना प्रश्न शुरू करेंगे, तो यहां पर हमें इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि मैंने एक बार बहुत एक्सप्लेन करके बना दिया, बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सर इतना आसान प्रश्न बता रहे हो, है ना, और जिनको लग रहा है अच्छी बात है क्योंकि इतना आसान है, अब क्या करते हैं अब इसी को हल कर देते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से ऐसा कर देते हैं, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो यहां से देखिए एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 100 ऋण वाई दूसरे समीकरण से, अब यही जो मान है एक्स का इसको उठा करके यहां पर रख देते हैं पहले वाले समीकरण में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 गुणे 100 ऋण वाई बराबर 5y धन 100, ठीक, तो अब उसको पूरा खोल देंगे तो हो जाएगा 500 ऋण 5y बराबर 5y धन 100, तो 5y ये वाला इधर ले जाओगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y और ये वाला 100 का इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 400, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 40, और y जो आपने माना था वो वास्तव में किलोमीटर प्रति घंटा, आप उसकी गति की बात कर रहे थे, तो गति क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, किसकी, जो वाई वाली, यानी कि बी से जो स्टार्ट किया था वही तो थी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो वाई का मान 40 आ गया, आप यहां पे 40 रख दोगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, एक्स का मान, तो सीधे सीधे पता है एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई, यानी कि 100 में से आप 40 घटा दो तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, बहुत ही आसान था एक बार मैंने पूरा, क्योंकि एक तरह से थोड़ा सा नयापन था इसमें, बहुत दिन बाद आप लोगों ने फिर से किया होगा इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, और इसमें क्या है, इसमें एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक आयत है, क्या है आयत, और इसकी लंबाई हमने मान ली एक्स है और चौड़ाई क्या है वाई, जो भी इकाई दे रखी है, इकाई क्या दे रखी है वर्ग इकाई, ठीक है, तो एक्स इकाई ही मान लिया, कोई फर्क ही नहीं, यहाँ पे मीटर किलोमीटर का कोई लफड़ा है ही नहीं। अब क्या करना है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो 5 इकाई आप कम करोगे तो पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अगर एक्स लंबाई और चौड़ाई वाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा एक्स वाई, ये हमारा पहले दे रखा था शुरुआत में, ठीक। अब क्या हो रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि भाई आपने लंबाई कम कर दी, कितनी 5 इकाई, तो लंबाई रहेगी एक्स माइनस 5 और चौड़ाई में आपने कोई छिड़खानी नहीं की, है ना, नहीं चौड़ाई में छेड़खानी की है और चौड़ाई आपने क्या कर दी है, देखिए दोनों चीजें दे रखी हैं, लंबाई आपने 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई आपने 3 इकाई बढ़ा दी, तो हमारा जो नया बन रहा होगा कुछ वैसा बन जा रहा होगा, ये आपका हो गया एक्स ऋण 5 और ये आपकी चौड़ाई क्या हो गई वाई धन 3, तो अब जो भी बन रही है शेप उसका क्या है, उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये गुणे ये यहां पर, क्योंकि अब जो नई लंबाई या चौड़ाई जो है वो ये हो गई, समझ गया, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये जो भी गुणनफल आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो पहला जो था उस पहले कितना था, पहले एक्स वाई था, अब इसमें से आप अगर 9 वर्ग इकाई कम कर दे रहे हो तब आपको इतना मिल रहा है, तो आप समझ गए वास्तव में क्या लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा हुआ है ये एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स ऋण वाई गुणे वाई धन 3, ये आपको दे रखा है। अच्छा, और कुछ भी दे रखा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और
चौड़ाई को दो इकाई बढ़ा दें। इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने लंबाई को क्या किया, तीन इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को दो इकाई बढ़ा दिया, ठीक। तो आपको ये क्षेत्रफल मिलेगा, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो शुरुआत में क्या था, एक्स वाई था, तो ये क्या है, इस बार क्या हो जा रहा है, एक्स वाई में 67 आप जोड़ दे रहे हो, तो ये आपको दूसरा समीकरण मिल जा रहा है। पहला समीकरण क्या है, एक्स वाई से आप 9 कम कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आप लंबाई में 5 इकाई कम कर रहे हो और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे रहे हो। अच्छा, तो पहला समीकरण आपका ये था। अब इसी को पहले हम लोग व्यवस्थित तरह से x और y के पदों में लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम किस विधि से हल करेंगे, ठीक। तो पहले वाले को करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर को इसको यहीं पर मैं हल कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स वाई धन 3x ऋण 5y ऋण 15, ठीक, ऋण 15। अब क्या हो गया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई ऋण 9, एक्स वाई से आपका एक्स वाई कट गया, तो क्या बचा आपका, आपके पास बचा ये माइनस 15 को इसी तरफ रखो तो एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x ऋण 5y ऋण 15 है और ऋण 9 उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो ऋण 15 में धन 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 6, ये बराबर 0। तो आपको एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई वो मिल गई है, ये आपकी पहला समीकरण है, वही है, बस थोड़ा सा रूप बदल गया, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इसको पूरा ओपन करके देखते हैं, तो एक्स वाई धन 2x धन 3y धन 6, देखो 3y का इसमें गुणा किया फिर 3 दूनी 6 कर दिया, अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई धन 67 के बराबर है, किसके बराबर है, 67। तो एक्स वाई से यहां पर भी एक्स वाई कट गया, है ना। अब क्या बचा, ये आ गया आपका 2x धन 3y धन 6 से 67 आप बटाओगे तो क्या बचेगा, ऋण 61 ऋण 61 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो हम लोग विलोपन से करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हमें दिख रहा है 61 है कहीं पर 6 है, तो यहां पर दिख रहा है प्रतिस्थापन से करेंगे तो भी कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लोग सीधे से अपनी वज्र गुणनखंड विधि लगा देते हैं और देखते हैं कि प्रश्न का क्या उत्तर आता है, ठीक। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, ये पूछी गई है ना, है ना, हाँ, आयत की विमाएं क्या कीजिए, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स लिखा, वाई लिखा और एक लिखा, अच्छे से लिख देते हैं, आखिरी प्रश्न है ना, आलस नहीं करते हैं, ठीक। अच्छा है, इक्वेशन सही से देखना यार, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। ये है 2x धन 3y माइनस 61, ये हमारा दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण, तो 3x ऋण 5y ऋण 6। तो हम लोग क्या करते हैं, b1 और b2 लिखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आएगा माइनस 5 और यहां से आ जाएगा 3, फिर c1 c2 लिखते हैं, वहां से आपको मिलेगा माइनस 6, यहां से आपको मिलेगा माइनस 61। अच्छा, वाई के बाद क्या मिलेगा, a। अब a के देखिए वहां पर क्या है, a 3, a1 मतलब x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2, तो वो हम लोग बोलते हैं a2, ये आपका हो गया 2, फिर a के नीचे क्या आ जाएगा, फिर से b1 b2 आ जाता है, तो आ जाएगा आपका माइनस 5 और आपका धन 3, ठीक। इसको ऐसा कर देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या हुआ, अब बस इसी को हम लोग पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में लिख देते हैं, x बटे माइनस 5 से माइनस 61 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो धन हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305 हो गया, ऋण और ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 3 छक 18, तो ये आप सीधा सीधा जोड़ दिया, ये बराबर क्या है, वाई बटे देखिए 6 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 12, 61 से गुणा करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण के साथ ये भी ऋण है तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन। नहीं समझ आया, चलो नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं भाई, 6 दूनी 12 किया, ऋण के साथ ऋण 12 हो गया, फिर आप ऋण का चिन्ह लगाओगे, जब नीचे सुपर गुणा करते हो तो ऋण का चिन्ह लगाते हो, ऋण का चिन्ह लगा दिया, अब गुणनफल क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है आपका माइनस 183, रहने दिया, मैं बोला था ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना बोल रहा था, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको 1/3 से 3 में गुणा किया तो क्या हो गया 9, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 5 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10, लेकिन माइनस और माइनस प्लस यहां पे मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है, 3 त्रिका 9, इसमें आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, लेकिन ऋण का होगा और यहां पर ऋण का आपने पहले लगा रखा है तो हो गया आपका 1/19। अच्छा, यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, अभी देखो हो सकता है बहुत आसान हो जाए, तो ये तो आपको 1/19 मिला हुआ है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 305 में आप 18 जोड़ दो तो 323 हो गया, कितना हो गया 323/19। अच्छा, इसमें भाग जाता है क्या पूरा पूरा, तो 19 एकम 19 बचा कितना 13, 13 3 19 सत्ते 133, तो 17 यानी कि अच्छा खासा उत्तर आ गया है, पूर्ण पूरा पूरा उत्तर आ गया है, ठीक। तो 17 यानी कि जो विमा है x की, जो हमारा आयत था पहले, उसमें एक विमा तो 17 हो गई, 17 इकाई क्या, मीटर सेंटीमीटर कुछ हमें दे नहीं रखा है,
तो कितनी हो गई 17 इकाई, हम क्या बोल देंगे 17 इकाई। तो अभी विमा निकाल देंगे और अपने करना क्या है y निकालना है, ठीक। तो y वाला भी देख लीजिए, ये कितना है 183 ऋण का है, लेकिन ऋण बाहर भी लगा हुआ है तो ये धन हो जाएगा, और उससे 12 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 71, तो 171 हो जाएगा, कितना 171। ये तो अपने को सीधे सीधे दिख रहा है 171 बराबर 1/19 है, और 19 नियमा जिसको पहाड़े नहीं आते हैं वो लोग अपने आप को कोस रहे थोड़ा सा, पहाड़े आते तो 19 नियमा 171 होता है, तो यानी कि वाई बराबर क्या हो गया वाई बराबर 9, ठीक। तो जो विमाएं हो गई क्या हो गई, ऐसा आयत होगा ये आपका 17 इकाई था और ये आपका 9 इकाई था, बस हमारी प्रश्नावली के सारे प्रश्न हो गए। अब इसी में आगे जब हम लोग अपने बात करेंगे ना इसी चैप्टर में, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डायरेक्टली हमें एक्स और वाई यानी कि चर के टर्म्स में नहीं दिख रही होंगी, उनको भी हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण बना करके हल कर पाएंगे, तो उसकी बात करेंगे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, वहां पर हम इसी चीज को अप्लाई कर रहे होंगे। तुम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।